इटावा से है, जहां राधाष्टमी के अवसर पर आज नुमाइश पंडाल में राधाष्टमी का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें गुरुजी मनपुत्र दास महाराज द्वारा भजनों का कार्यक्रम किया गया तथा गुरुजी द्वारा राधा रानी के पूजा अर्चना की गई। भजन कीर्तन के दौरान श्रद्धालु झूमने को मजबूर हो गए और महिलाओं पुरुषों ने राधा रानी के भजनों पर नृत्य किया। कार्यक्रम के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। गुरु मनुपुत्र दास महाराज द्वारा बताया गया है कि आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, हम लोगों को राधा रानी की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। भक्तों में राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम और जुनून है। SSP टावर ने राधा रानी की आरती उतारी तथा अर्चन करने के उपरांत सभी लोगों को संबोधित किया। इसमें मुख्य रूप से SSP टावर संजय कुमार सिंह, सदर विधायिका सरिता भदौरिया, पूर्व विधायक रघुराज सिंह मौजूद रहे तथा हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुषों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राधाष्टमी के दिन जो कार्यक्रम आज गठित हुआ है जी, और क्या विशेषता है और कितने कार्यक्रम मनाए गए जी? आप सब जानते ही हैं, अपना सनातन धर्म सदा से एक ही शिक्षा देता है कि परमात्मा की भक्ति जीव का परम कल्याण है और जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के कारण जीव आत्मा का परम कर्तव्य है कि वह परमात्मा की भक्ति करे। और परमात्मा की भक्ति के लिए परमात्मा ने कई दिन ऐसे विशेष रूप से बनाए हैं जिससे उनकी भक्ति करके हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक दिन है श्रीमती राधा रानी का, राधा रानी का प्रकट उत्सव। इस दिन राधा रानी की भक्ति करके हम परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह उसी का फल है कि आज राधा रानी की भक्ति का जो जुनून है वो लोगों के ऊपर छाया हुआ और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पधारे हुए हैं। किस लिए? कि वे राधा रानी से प्रेम करते हैं और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और संख्या तो मैं क्या बता सकता हूँ, वह सब आप सब के सामने ही है, लेकिन राधा रानी की भक्ति कृष्ण की शक्ति, ये दोनों एक समान है। यानी राधा रानी की जो शक्ति है वह कृष्ण की भक्ति है। अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें जैसे राधा रानी को शक्ति प्राप्त हो रही है वैसे हमको भी शक्ति प्राप्त होगी। तो इस आयोजन का उद्देश्य बस यही है कि हम परमात्मा की परम शक्ति श्रीमती राधा रानी हरलावनी शक्ति की भक्ति करें और परमात्मा के धाम, परमात्मा की सेवा, ये सब प्राप्त कर सकें। राधाष्टमी के दिन जो कार्यक्रम आज गठित हुआ है जी, और क्या विशेषता है और कितने कार्यक्रम मनाए गए जी? आप सब जानते ही हैं, अपना सनातन धर्म सदा से एक ही शिक्षा देता है कि परमात्मा की भक्ति जीव का परम कल्याण है और जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के कारण जीव आत्मा का परम कर्तव्य है कि वह परमात्मा की भक्ति करे। और परमात्मा की भक्ति के लिए परमात्मा ने कई दिन ऐसे विशेष रूप से बनाए हैं जिससे उनकी भक्ति करके हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक दिन है श्रीमती राधा रानी का, राधा रानी का प्रकट उत्सव। इस दिन राधा रानी की भक्ति करके हम परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह उसी का फल है कि आज राधा रानी की भक्ति का जो जुनून है वो लोगों के ऊपर छाया हुआ और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पधारे हुए हैं। किस लिए? कि वे राधा रानी से प्रेम करते हैं और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और संख्या तो मैं क्या बता सकता हूँ, वह सब आप सब के सामने ही है, लेकिन राधा रानी की भक्ति कृष्ण की शक्ति, ये दोनों एक समान है। यानी राधा रानी की जो शक्ति है वह कृष्ण की भक्ति है। अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें जैसे राधा रानी को शक्ति प्राप्त हो रही है वैसे हमको भी शक्ति प्राप्त होगी। तो इस आयोजन का उद्देश्य बस यही है कि हम परमात्मा की परम शक्ति श्रीमती राधा रानी हरलावनी शक्ति की भक्ति करें और परमात्मा के धाम, परमात्मा की सेवा, ये सब प्राप्त कर सकें।